बेटा न्यूक्लियस पे जब हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस में हमने पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ी, हमने फिर जो है न्यूक्लियोलस पढ़ा, अब न्यूक्लियर पोर पढ़े, अब हम लोगों का बारी है कि उसमें जो फ्लूड भरा है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं उसको पढ़ा जाए। तो आइए न्यूक्लियोप्लाज्म देखते हैं। अगर आप कभी भी न्यूक्लियस जब बनाते हैं किसी भी सेल का, मान लीजिए ये सेल है, ये कोई एक सेल है और इसका अगर आप न्यूक्लियस बनाते हैं, मान लीजिए आपने ये न्यूक्लियस बनाया, आप समझे इस बात को, आपने इसे न्यूक्लियस बना दिया, ये इसकी आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैंने आपको पढ़ा दिया कि आउटर वाली रफ है, इनर वाली स्मूथ है, ये सारी डिस्कशंस हो गए हैं। अब ये देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं और ये स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। ये है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन जो है हम लोग को तो पढ़ना ही है, इसमें एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये देखिए इसके अंदर एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, इसी फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये देखिए। तो अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में स्टडी करना है कि जो ये फ्लूइड है इस फ्लूइड का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है सेल के अंदर जो इस न्यूक्लियर। अब ये देखिए यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, ये साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज है या सेलुलर मेटाबॉलिज्म है। सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो सारा काम इसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखिए, तो अगर आप न्यूक्लियोप्लाज्म देखते हैं तो ये देखिए, इट इज कवर्ड बाई पहला कमेंट लिखे, इट इज कवर्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है, इट इज कवर्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पहला इसका कमेंट हो गया, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है। दूसरा देखिए, अगर आप इसके अंदर देखें तो डीएनए पड़ा है। अगर आप पहली साथ भी बात समझें कि जो क्रोमेटिन है इसमें चार चीजें हैं, इसमें तो एक डीएनए है, एक इसमें आरएनए है, एक इसमें हिस्टोन प्रोटीन है और एक चौथी चीज है इसमें जिसे हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये चार चीजें हैं इसके अंदर, ये देखिए। अब आपको ये बात समझनी है कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये व्हाइट कलर का है, आपको ये बात लिखना है, व्हाइट कलर का है, लिख दिया आपने। इसके पास क्या है, अगर आप समझे इसके पास क्या क्या है, इसके पास एक तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स दोनों हैं, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए भी, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए भी। इसके पास एटीपी आती है, क्योंकि अगर यहां कोई रिएक्शन हो रही थी एटीपी चाहिए ही। इसके पास ढेर सारे आयन्स हैं, दो तरह के खास तरह के आयन्स हैं, एक कैल्शियम आयन है और एक मैग्नीशियम आयन है। मतलब यहां पर दो तरह के फ्लूइड में आयन्स हैं जो इसके मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। और इसके जो एनर्जी का सोर्स है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म का एनर्जी का जो सोर्स है, रिसोर्स है, वो ग्लाइकोलिसिस है। ये देखिए, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ये न्यूक्लियोप्लाज्म ये सारे अपनी एनर्जी की नीड को कंपनसेट करता है, कंप्लीट करता है। अगर आपको इसका फंक्शन लिखना है, न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, तो आप एक बात समझ लें, यहां लिख लें, मैंने कई बार बताई है, आज फिर बताता हूं कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसे रिप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये देखिए, डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो इसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो आपको सीखना है, एक ये नाम है आपको सीखना है। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे रिप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। अब यहां देखिए फंक्शन क्या है, अगर आप देखिए तो न्यूक्लियोप्लाज्म लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियोप्लाज्म इज साइट ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये देखिए,
मतलब अगर आप समझे इस बात को, कितनी सिंपल सी बात है कि अगर इस सेल के अंदर डीएनए से डीएनए डबल होगा तो न्यूक्लियस में डबल होगा। जब डीएनए से डीएनए बनेगा मतलब ये रिप्लिकेशन होगा, तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम चाहिए डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। इसका मतलब ये एंजाइम कहाँ होगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझें, जहां पर रिएक्शन होगी एंजाइम वहीं पर होगा। मतलब डीएनए रिप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा है और वो इस एंजाइम की हेल्प से हो रहा है। एंजाइम का नाम क्या है देख लें, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। अब आप यहां लिखे हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम चाहिए। ये देखिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अब ये दो एंजाइम्स हैं, इस एंजाइम की मदद से रिप्लिकेशन होता है और दूसरे वाले एंजाइम की मदद से ट्रांसक्रिप्शन होता है। एक काम यहाँ और होती है, आप जान लें कभी ही आपको क्लास 12 में मौका मिलेगा, यहाँ पर एक काम होती है स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग एक बड़ी प्रक्रिया है, या आप कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए होता है। इस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म में ये सारी घटनाएं होती हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म वह जगह है जहां पर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है सेल साइकिल में, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, वो जगह है जहां पर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये सारी मेन मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको नोट करा दिए हैं। अब ये हो गया, अगर हम लोग इसका फिर से नाम क्लियर कर दें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक बार आप नाम देख लें। अब हम लोग इस बात पे फोकस करते हैं, ये जो क्रोमेटिन है, ये जो इसमें क्रोमेटिन है उसके बारे में फोकस करते हैं। तो अगर आप क्रोमेटिन के बारे में देखें, यहां लिखे क्रोमेटिन, तो अब क्रोमेटिन के बारे में देखना है भाई। तो क्रोमेटिन है क्या, क्रोमेटिन कैसे बनता है, इसका एक्सप्लेनेशन देता है। तो क्रोमेटिन जो टर्म था, ये टर्म क्रोमेटिन जो था वॉज कॉइंड बाई, क्रोमेटिन टर्म वॉज कॉइंड बाई एक साइंटिस्ट है जिनका नाम फ्लेमिंग है। ये देखिए आपको इनका नाम याद कर लेना है, ये एक साइंटिस्ट है क्रोमेटिन फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहले क्रोमेटिन टर्म का इस्तेमाल किया। अगर हम लोग क्रोमेटिन की बात करें तो आपको किसी भी यूकैरियोटिक सेल में क्रोमेटिन दिखाई पड़ता है। इस क्रोमेटिन में है चार चीजें, एक जो सबसे मेन चीज है वो है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा है इसके साथ जेनेटिक मटेरियल, दूसरा वाला आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये लगभग 30-35% है, ये जो है 20-25% है। ये देखिए इसमें है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है जो इससे जुड़ी हुई है। बड़ा देखो, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में कभी भी डीएनए के लिए नहीं बनाना चाहिए, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने डीएनए के लिए बना दिया तो इसका मतलब आपको सेल की अच्छे से जानकारी नहीं है। आइए हम आपको सिखाते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में क्रोमेटिन क्या है। अगर आप यूकैरियोटिक सेल ऐसे बना रहे हैं, ये सेल है, आप इस बात को बखूबी समझें कि सेल के अंदर हो क्या रहा है। अगर ये सेल है और इस सेल के अंदर आपने इस तरह से न्यूक्लियस बना रखा है, इस तरह से आपने न्यूक्लियस बना रखा है सेल के अंदर, ऐसे
न्यूक्लियस बना रखा है, और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें तो आप एक सिंपली सी ऐसे यहाँ पर न्यूक्लियोलस बनाते हैं और इसके अंदर एक धागा ऐसे बना देते हैं, ये एक्सटेंडेड एरिया है, इसी धागे को आप क्रोमेटिन कहते हैं। इस क्रोमेटिन का मतलब क्या है, यहाँ डीएनए कभी आपको इस न्यूक्लियस के अंदर अगर आपने कभी भी डीएनए बना दिया इसका मतलब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, और कभी भी ऐसे आप यहाँ इस यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए आपने मत बनाइएगा, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इस क्रोमेटिन टर्म को अगर देखा जाए तो ये टर्म वॉज क्वाइंड बाई एक साइंटिस्ट है जिनका नाम फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमेटिन टर्म का इस्तेमाल किया था, मतलब सबसे पहले क्रोमेटिन टर्म का इस्तेमाल फ्लेमिंग ने किया था। अगर आप देखें तो ये जो क्रोमेटिन है इसमें चार चीजें हैं, एनसीईआरटी लिखा हुआ है इसलिए आपको एनसीईआरटी को यहाँ फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी को मैं लिख देता हूँ, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि इस क्रोमेटिन में चार चीजें हैं, एक तो इसमें डीएनए है, दूसरा इसमें आरएनए है, तीसरा इसमें हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, तीसरा इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन है, चौथा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। इन चार चीजों को जब हम इकट्ठा करते हैं तब जो है बनता है हमारा ये क्रोमेटिन। तो सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्रोमेटिन में चार चीजें हैं, डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, और चौथी जो चीज है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये चार चीजें मिलकर इस क्रोमेटिन का निर्माण करती है। अब हमको समझना पड़ेगा कि इसमें डीएनए कितना है, इसमें आरएनए कितना है, कितनी हिस्टोन है, कितनी नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको डीएनए सिखाते हैं। अगर आपने डीएनए कभी पढ़ा है क्लास इलेवेंथ में, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, आपने इसे पढ़ा होगा कि ये जेनेटिक मटेरियल है। क्लास ट्वेल्थ में मॉलिकुलर बायोलॉजी में इसका आपको खूब सारा डिटेल पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको ये पता हो कि इस डीएनए में चार बेस पेयर होते हैं, ए माने होता है एडेनिन, ये देखिए ए माने एडेनिन, जी माने होता है यहाँ पे ग्वानिन होता है, ग्वानिन, जी माने हुआ ग्वानिन, यहाँ पर सी माने देखिए साइटोसिन होता है डीएनए में, साइटोसिन, और टी माने यहाँ होता है थायमिन। ये चार नाइट्रोजन के बेस हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। कभी भी आप जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए का, यहाँ पर आप 3' लिखते हैं, यहाँ 5' लिखते हैं, यहाँ 3' लिखते हैं, यहाँ 5' लिखते हैं, इसमें ऐसे आप वर्टिकल्स जो हैं आप ऐसे लाइनें खींच देते हैं। इन लाइनों का मतलब नाइट्रोजन बेस पेयर होता है। इन लाइनों का मतलब हुआ कि एडेनिन से थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, थायमिन से एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, साइटोसिन से ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, और ग्वानिन जो है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के जुड़ा है, इसका मतलब हुआ। यह स्ट्रक्चर है क्योंकि आपने यहाँ लिखा है कि इस क्रोमेटिन में डीएनए पड़ा हुआ, तो हम आपको डीएनए की हल्की सी जानकारी देते हैं, वो सिंपल सी जानकारी देते हैं। डीएनए क्या, ये जो ये एक हेलिक्स है, इस हेलिक्स की टोटल लेंथ जो है 34 एंगस्ट्रॉम है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है डीएनए की वो 20 एंगस्ट्रॉम है। ये आप क्लास 12 में खूब लंबा पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए की लेंथ ऑफ हेलिक्स क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए की लेंथ ऑफ हेलिक्स क्या है तो आप ऐसे ले दीजिए, सर लेंथ ऑफ हेलिक्स है इसकी, मैंने आपको डीएनए बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है, एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है। ये देखिए एक हेलिक्स की लंबाई, इस एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर जो है नंबर ऑफ बेस पेयर इन हेलिक्स, अगर हेलिक्स में देखा जाए तो नंबर ऑफ बेस पेयर 10 बेस पेयर है। मतलब ये हुआ कि ये नाइट्रोजन के बेस है जो AGCT जो है ये 10 बेस पेयर है एक हेलिक्स में, इसका मतलब ये हुआ। अब मतलब आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटिन है, जब यही क्रोमेटिन, पहली बात आप समझ लें, जब यही क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, मतलब कंडेंस हो जाता है, तो इसी से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। पहले ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो क्रोमोसोम आपको जनरली नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्रोमोसोम आपको सेल डिवीजन में मेटाफेज स्टेज में दिखाई पड़ते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है, तो ये दुनिया सब जानती है, मौसम है, हर आदमी जानता है कि क्रोमोसोम मनुष्य में 46 होते हैं। तो यही क्रोमेटिन मिलकर क्रोमोसोम बनाएगा, और क्रोमेटिन किसका बना है, डीएनए का। बहुत तो सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर एक हेलिक्स पे 10 बेस पेयर हैं, तो अगर आप टोटल देखें 2n बराबर अगर 46 हो, तो इसमें जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, जो डीएनए का बेस पेयर है, ये देखिए डीएनए है वो है 6.6 × 10^9 बेस पेयर ह्यूमन में।
मतलब इतने बेस पेयर मिलके इतने क्रोमोसोम बना सकते हैं। फिर समझ लीजिए आप, इतना डीएनए अगर इस क्रोमेटिन में हो, कितना डीएनए ये लिखा हुआ है 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर, इतना अगर डीएनए हो इस क्रोमेटिन में तो कितने क्रोमोसोम बनेंगे मनुष्य में? सिंपल सी बात है, जब ये कंडेंस होगा 2n1 46 क्रोमोसोम बनेंगे इस न्यूक्लियस के अंदर, तब न्यूक्लियस सही रह जाता है, मेटाफेज में ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो अगर इतने बेस पेयर हैं और हेलिक्स की लंबाई इतनी है, तो अगर आपको लेंथ ऑफ डीएनए निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर कितना है? तो अगर आप लेंथ ऑफ डीएनए निकालेंगे तो देखिए 6.6 × 10⁹ बेस पेयर इंटू 3.4 × 10⁻¹ मीटर। जब आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इस डीएनए की लंबाई निकालेंगे, तो ये तो बेस पेयर है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, ये बेस पेयर हो गए, ये एक बेस पेयर से अगले बेस पेयर की दूरी है, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻¹ से इसको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर आपको जो डीएनए दिखाई पड़ेगा, ये 2.2 मीटर का डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर दिखाई पड़ेगा। मतलब ये एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, मैं इसलिए लिखता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़े तो आपको लगे कि हम लोग पॉइंट पे ही पढ़ रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए जो है 2.2 मीटर का है, आप पढ़ेंगे पक्का मिलेगा आपको। तो एनसीईआरटी कहती है 2.2 मीटर का डीएनए है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी लंबाई है 10⁻⁶ मीटर। मतलब आप सोचिए कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी लंबाई 10⁻⁶ मीटर है, ये पूरा न्यूक्लियस, और डीएनए कितना है 2.2 मीटर है। तो आप सोचेंगे डीएनए बड़ा है न्यूक्लियस बड़ा, तो आप सिंपल सोचिए कि न्यूक्लियस छोटा है और डीएनए बड़ा है। तो आखिर इतने बड़े 2.2 मीटर के डीएनए को, 2.2 मीटर का इसमें डीएनए बड़ा है, और इस न्यूक्लियस की साइज कितनी है, देखिए 10⁻⁶ मीटर है। तो आप बताइए न्यूक्लियस बड़ा है डीएनए बड़ा है, आप सर इस पे तो जो है मुझे जो लग रहा है डीएनए बड़ा है न्यूक्लियस छोटा है। तो इसकी पैकेजिंग के लिए, मतलब ये प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियस डीएनए छोटा है डीएनए बड़ा है, इसकी पैकेजिंग के लिए जो हमें प्रोटीन चाहिए उस प्रोटीन का नाम हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है, अगर इस हिस्टोन प्रोटीन कारण डीएनए की पैकेजिंग होती है, मतलब इतना बड़ा डीएनए जो 2.2 मीटर का डीएनए है इतने छोटे से न्यूक्लियस में सेट हो जाता है, कैसे पैक करती है हिस्टोन प्रोटीन? पहले हिस्टोन के बारे में आप पढ़ लें। पहली बात तो हिस्टोन जो है वो बेसिक प्रोटीन है, आपको ये बात सीखनी है कि जो हिस्टोन है वो बेसिक प्रोटीन है। दूसरा अगर आप इसके टाइप की बात करें, अच्छा बेसिक क्यों है? क्योंकि इसमें दो अमीनो एसिड पाई जाती है, एक का नाम है आर्जिनिन, ये देखिए शॉर्ट में इसको एआरजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी अमीनो एसिड है लाइसिन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एलवाईएस से। ये दो अमीनो एसिड है, इन्हीं दोनों अमीनो एसिड कारण यह जो है बेसिक प्रोटीन है डीएनए। अमीनो एसिड देख लीजिए, याद रखिएगा, काम देगा आपको। अब अगर इसके हम टाइप देखें कि कितने टाइप हैं, तो इसके टाइप हैं 5, नाम लिख लीजिए एक बार, पहला असंतुलित होके ES2A, इसका नाम है ES2B, तीसरी है ES3, चौथा है ES4 और पांचवा है H1। ये 5 प्रोटीन है हिस्टोन की, अच्छा इस हिस्टोन प्रोटीन पे जो चार्ज है वो कैसा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। आपको एक बात भी सीखनी पड़ेगी कि हिस्टोन पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर आप डीएनए की बात करें तो ये जो डीएनए है इस पे हमारे नेगेटिव चार्ज है। अब कितनी गजब की बात है, नेचर ने कैसे कैलकुलेट किया होगा, कैसे अरेंज किया होगा, ये बात आप सीखें कि डीएनए को उसने हिस्टोन से जोड़ दिया। जब उसने डीएनए के हिस्टोन से जोड़ दिया, इस प्रकृति ने, इस मदर नेचर ने जब डीएनए को उसने हिस्टोन प्रोटीन से जोड़ दिया, तो डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जब जोड़ दिया तभी जो है क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हुआ। और जब डीएनए से हिस्टोन जुड़ जाती है तो इस तरह के डीएनए का जो शेप होता है, वो डीएनए जो होता है उसका जो शेप होता है वो शेप होता है कि वो डीएनए लीनियर डीएनए होता है, मतलब शेप उसका लीनियर डीएनए होता है। अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल में ये हिस्टोन नहीं होती है, आप हमारे लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे। तो अब आपको मैं ये सिखाना चाहता हूं कि ये हिस्टोन इस डीएनए से जुड़ के इतनी साइज के न्यूक्लियस में इतनी साइज का डीएनए कैसे पैक होता है, हम आपको वो सिखाना चाहते हैं। तो देखो डीएनए की जो साइज है 2.2 मीटर की है और न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁶ मीटर की है, तो अब आप ये देखना है कि डीएनए कैसे पैक हो रहा है, इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए पैक कैसे हो रहा है, आइए मैं आपको सिखाते हैं। तो क्रोमेटिन मैंने आपको बता ही दिया कि ये चार चीजों को बना है,
ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसके लिए एक मॉडल आता है, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि हम आपको क्लास 12 से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ये समझने के लिए कि क्रोमोसोम बनते कैसे हैं, मैं आपको यहीं पर सिखाता हूं। आपको बिना सीखे ये मॉडल कोई बात समझ में नहीं आएगी। इस मॉडल का नाम है बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल। एक मॉडल है बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल है, या इसी को अगर आपने कभी किसी छोटी क्लास से पढ़ा होगा तो इसी को हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। ये एक मॉडल है जो बताता है कि कैसे क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है और क्रोमेटिन से कैसे क्रोमोसोम बनते हैं। ये देखिए, अगर इस मॉडल को आप देखें तो इसे एक्सप्लेन किया था, मतलब इसके बारे में सबसे पहले बताया था, एक्सप्लेन्ड बाय कोरेनबर्ग। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम कोरेनबर्ग है, एक्सप्लेन्ड बाय कोरेनबर्ग। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम कोरेनबर्ग है, सबसे पहले उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। कोरेनबर्ग कहते क्या है आप देखें, जब आप क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सीखना है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाई देगा कि ये देखिए हमारा ये डीएनए का मॉलिक्यूल है ये, और इसके साथ हिस्टोन के ऑप्टामर जुड़ जाते हैं, एस टू ए, एस टू बी, ये देखिए एस थ्री और एच फोर, ये ऐसे जुड़ जाते हैं। ये जो डीएनए होता है इसके 200 बेस पेयर मतलब 20 हेलिक्स, और हिस्टोन का ये जो है ये जो प्रोटीन है इसे हम लोग हिस्टोन ऑप्टामर कहते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं हिस्टोन के ऑप्टामर, इसमें ध्यान रखिएगा H1 नहीं है, तो जब ये जुड़ जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि भाई ये हिस्टोन का ऑप्टामर है, मतलब हिस्टोन के एस टू ए, एस टू बी, एस थ्री, एच फोर दो दो बार है, ऑप्टामर है, और इसके ऊपर ये खास तरह का स्ट्रक्चर है ऐसे, जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं। तो इस डीएनए, अच्छा डीएनए कितने बेस पेयर है इसमें, 200 बेस पेयर है, ये आप लिखे रहे हैं। तो अगर आप इसको ऐसे कर दें तो इसे हम लोग कोर न्यूक्लियोसोम कहते हैं, मतलब इसे आप समझो कोई बड़ी रस्सी हो उसको छोटा करने का सबसे आसान सा तरीका है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इन्होंने कहा कि भाई देखिए कोर न्यूक्लियोसोम एक कॉन्सेप्ट है, कोर न्यूक्लियोसोम के लिए इन्होंने कहा कि कोर न्यूक्लियोसोम में क्या क्या है, तो अगर आपको कोर न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट देखना है तो आप इसे लिखना शुरू करिए कि सर कोर न्यूक्लियोसोम में डीएनए के 200 बेस पेयर हैं, किसके डीएनए के, और प्लस जो है हिस्टोन के ऑप्टामर है, ये देखिए हिस्टोन के ऑप्टामर है, हिस्टोन के ऑप्टामर मैंने उधर लिखा हुआ है, तो ये 200 बेस पेयर और प्लस हिस्टोन के ऑप्टामर मतलब 2 एस टू ए, फिर ये देखिए एस टू बी, फिर देखिए एस थ्री और एच फोर, ये सब आपस में जुड़ जाते हैं और ये कोर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। जब कोर न्यूक्लियोसोम बन जाता है, मतलब सोचिए 200 हेलिक्स काफी लंबी रही होगी, उसको ऐसे स्पिन किया जाता है ताकि वो छोटी हो जाए, जब ये बन जाता है तो एक प्रोटीन होती है जो H1 है, ये देखिए उसमें H1 नहीं रहती है, H1 को हम लोग सीलिंग हिस्टोन कहते हैं, ये देखिए H1 को हम लोग सीलिंग हिस्टोन कहते हैं, और ये H1 आ जाती है और इसके साथ देखिए कोर न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ जाती है, जब इसके साथ जुड़ जाती है तो इसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ये देखिए। तो अगर आपसे कोई कहे कि न्यूक्लियोसोम और कोर न्यूक्लियोसोम में क्या फर्क है, तो ये देखिए कोर न्यूक्लियोसोम से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, आपको ये बात सीखनी है, कोर न्यूक्लियोसोम से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, ये समझना है आपको। तो न्यूक्लियोसोम जब बन जाता है तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लिखिए सर कोर न्यूक्लियोसोम प्लस H1, अगर आपने सीलिंग हिस्टोन को जोड़ दिया तो उसे हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम कहा, और सीलिंग हिस्टोन H1 नहीं है तो उसे हम लोग कोर न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यही न्यूक्लियोसोम जब 6 मिल जाते हैं तो देखिए एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग सोलेनोसोम कहते हैं, सोलेनोसोम कहते हैं, ये देखिए अगर आपको दिखाना हो तो ऐसे दिखा दीजिए कि ये न्यूक्लियोसोम ऐसे 6 जब इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग सोलेनोइड कहते हैं, ये देखिए इसे सोलेनोइड कहा जाता है। जब ये सोलेनोसोम अगर फर्दर कंडेंस होता है तो इससे क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है, ये देखिए तो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है जब ये फर्दर कंडेंस हो जाता है तो, और इसको कंडेंस करने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम NSC है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, उस प्रोटीन का नाम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है। यही क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाती है तो मेटाफेज स्टेज में, जब यही स्टेज पे कन्वर्ट हो जाती है तो ये देखिए मेटाफेज स्टेज में जब ये कन्वर्ट हो जाती है तो इससे क्रोमोसोम का निर्माण होता है,
क्रोमोसोम का निर्माण होता है। मतलब आपको ये समझना है कि ये जो क्रोमेटिन है, ये जो आपको दिखाई दे पड़ रहा है, ये इस समय ये जो सेल है ये इंटरफेज स्टेज में है। इंटरफेज स्टेज मतलब G1S या G2 में है। इसमें कभी भी आपको इंटरफेज स्टेज में क्रोमोसोम सेल के अंदर नहीं दिखाई पड़ता है। इंटरफेज स्टेज में सेल के अंदर आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ता है। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, पहले कोर न्यूक्लियोसोम बनता है, कोर न्यूक्लियोसोम से न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से सोलनोसोम, सोलनोसोम से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। डीएनए ऐसे ही पैक होता है, यही सोलेनॉइड है जो आगे कंडेंस हो जाता है। तो आप न्यूक्लियस के अंदर इस स्ट्रक्चर को दिखाते हैं और इस स्ट्रक्चर को आप क्रोमेटिन कहते हैं। मतलब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी सेल में कैसे पैक होता है। जो बड़ी साइज का डीएनए है वो इसे रोटेट किया जाता है, और जब इसको रोटेशन देते हैं, रोटेट करने का काम कौन करता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन करती है। अब इस आधार पर अगर आप देखिए तो यहाँ दो तरह के क्रोमेटिन लिखे हैं, एक हेट्रोक्रोमेटिन लिखा है और एक यू क्रोमेटिन लिखा है। कैसे फर्क करेंगे आप इन दोनों क्रोमेटिन में, आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लियर करना चाहते हैं कि यू क्रोमेटिन क्या है, आप इस बात को क्लियर कर लें कि भाई ये यू क्रोमेटिन किसे कहते हैं, और दूसरा देखिए हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहते हैं। आपको ये बात सीखनी पड़ेगी, किसी भी तरह से आप इस बात से बच नहीं सकते हैं। हम आपको सिखाना चाहते हैं किस तरह से डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पैक करती है। फाइनली मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए दोनों लिखे हैं न्यूक्लियस के अंदर, यू क्रोमेटिन भी हेट्रोक्रोमेटिन भी लिखा हुआ है। अगर आप इसका डिफरेंस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखिए कि हिस्टोन इसमें नॉर्मल अमाउंट में होती है, हिस्टोन इच इन नॉर्मल अमाउंट। इसके अंदर जो हिस्टोन है वो काफी नॉर्मल अमाउंट में होती है, सिंपल अमाउंट में ये हिस्टोन होती है। मतलब यू क्रोमेटिन बनाने के लिए जो आप हिस्टोन देख रहे हैं ये हिस्टोन नॉर्मल अमाउंट में होती है, ये बात सीखनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हिस्टोन हाई अमाउंट में होती है। तो अगर हिस्टोन इज हाई इन हाई अमाउंट, मतलब अगर हिस्टोन का अमाउंट ज्यादा है तो पैकेजिंग ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। ये देखिए तो जहां जहां हेट्रोक्रोमेटिन है वहां हिस्टोन ज्यादा है, और जहां पर यूक्रोमेटिन है वहां हिस्टोन कम है, कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा देखिए इसकी अगर पैकेजिंग देखा जाए तो इसकी पैकेजिंग नॉर्मल पैकेजिंग है, मतलब ये नॉर्मली पैक होता है, सिंपल पैकेजिंग है, जैसे सामान्य सी पैकेजिंग, क्योंकि हिस्टोन का अमाउंट यहाँ नॉर्मल है। लेकिन इसकी जो पैकेजिंग है कंडेंस्ड पैकेजिंग है, यह आप देख सकते हैं सर ये हाईली कंडेंस्ड है, मतलब इसकी पैकेजिंग ज्यादा है, हाईली कंडेंस्ड है, ये हाईली कंडेंस्ड है, इसकी पैकेजिंग ज्यादा है इस हेट्रोक्रोमेटिन की। हेट्रोक्रोमेटिन की पैकेजिंग ज्यादा है, यूक्रोमेटिन की पैकेजिंग कम है, नॉर्मल है। अगर आप डीएनए को कलर करते हैं तो इस डीएनए को कलर के लिए एक डाई होती है, इस डाई को हम लोग फ्यूजन डाई कहते हैं, या फ्यूजन डाई है, एक खास तरह की बेसिक डाई होती है, इस डीएनए को कलर किया जाता है। अगर आप डीएनए पे कलर डालेंगे तो ये देखिए ये जहां पर पड़ेगी, जहां पर ये होगा ये लाइट स्टेन देगा, मतलब अगर हिस्टोन नॉर्मल है स्टेन नॉर्मल होगा, स्टेन कैसा होगा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आप हेट्रोक्रोमेटिन है उस पर आप डालते हैं तो ये डार्क स्टेन देता है, मतलब आप स्टेन डाल के पता कर सकते हैं कि डीएनए में कहां कहां पर डार्क स्टेन है, कहां कहां पर लाइट स्टेन है। ये पूरे डीएनए का मतलब पूरे हमारे क्रोमेटिन का 2% बनाता है, ये पूरे क्रोमेटिन का 98% पार्ट बनाता है। आपको ये डिफरेंस भी समझने की जरूरत है। दूसरी बात समझिए, क्योंकि इसमें डीएनए है इसलिए ये जो यू क्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, इसका मतलब हुआ कि जहां जहां पर यू क्रोमेटिन है उससे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। क्यों आरएनए का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि उसकी पैकेजिंग नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इधर देखें तो ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मतलब ये हुआ कि इससे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये बात सीखिए आप। ये देखिए इसके जो जीन्स हैं, इसके जो जीन्स हैं ये एक्टिव हैं। जो आप पढ़ते हैं कि माँ बाप से जीन्स अगली पीढ़ी जा रहे हैं, जाते दोनों से हैं जीन्स, फर्क ये है कि इसके जीन्स एक्टिव हैं जो करेक्टर शो करते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा है इसलिए इसके जीन्स जो है वो इनएक्टिव है। ये देखिए इसके जो जीन्स हैं वो इनएक्टिव है, ये डिफरेंस और देख सकते हैं आप अगर मन है तो आप और डिफरेंस देखें। इसके जीन्स एक्टिव है और इसके जीन्स क्या है, इनएक्टिव है। ये देखिए इसका जो है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ये देखिए क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, इसका क्रॉसिंग ओवर होगा इसमें, मतलब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी लेकिन डू नॉट अकर। इसमें क्रॉसिंग ओवर का बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि इसमें जब ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, कहां से क्रॉसिंग ओवर होगी।
मतलब इस यूक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है जो आप पढ़ते हैं, जिससे नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, यूक्रोमेटिन कारण है। ये हेटरोक्रोमेटिन एज सच अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, इसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। और देखिए ये जो यूक्रोमेटिन है, आप यहां ध्यान से देखिए फिगर, तो यूक्रोमेटिन जो है लोकेटेड एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, लोकेटेड एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के सेंटर में पड़ा हुआ है। मतलब अगर आप कभी भी न्यूक्लियस बना रहे हैं तो आपको ये भी बनाते समय ध्यान रखना है